सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। नमस्कार, मैं सोनाली आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पे फिटनेस एंड मदरहुड। आज हम बात करेंगे एसेंशियल चीजों के बारे में जो इन्फेंट के लिए बहुत जरूरी होती है, मीन्स नवजात शिशु के लिए जो सबसे ज्यादा चीजें जरूरी होती है उन चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। मीन्स कैसा होता है कि न्यू न्यू जो पेरेंट्स बनते हैं तो उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि हमें क्या क्या खरीदना चाहिए या क्या क्या हमारे लिस्ट में होना चाहिए, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। ये वीडियो देखने के बाद जो न्यू टू बी मॉम और टू बी डैड्स है उनको डेफिनेटली ये पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या खरीदना चाहिए और क्या क्या हमारे लिस्ट में बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी एकदम डिटेल में दी हुई है, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। वीडियो के अंत में मैंने एक चेकलिस्ट भी देके रखी है जो आप चेक कर सकते हैं और शॉपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम पूरे दिन में बेबी को क्या पहना सकते हैं या फिर क्या पहनाना चाहिए हमें। तो सबसे मेजर पॉइंट आ जाता है हमारा डायपर्स का। सो ये और ये सारे जो तीन है, ये तीनों है कॉटन डायपर्स, ठीक है। इसको हम लंगोट भी बोलते हैं, ठीक है। ये प्रॉपरली कॉटन के हैं। ये मैंने एक ही बार इसको मैंने अगर हम इसको वॉश कर देंगे, एक बार या दो बार वॉश करेंगे तो बहुत पतला सॉफ्ट कपड़ा हो जाएगा, तो हम ये डायपर्स या फिर लंगोट जो है ये यूज करते हैं। लंगोट जो है वो हमें अपने पास स्टॉक में काफी सारी रखनी चाहिए क्योंकि बेबी दिन में 10 बार 12 बार बहुत बार सुसु और पॉटी करता है। हम डिस्पोजेबल डायपर्स भी यूज कर सकते हैं लेकिन ये वाले डायपर्स भी हमें अपने पास बैकअप में बिल्कुल रखने ही चाहिए। ये डायपर्स हमें स्पेशली इसलिए रखने चाहिए क्योंकि ये कॉटन के भी हैं और इससे हवा भी पास होती है और ये अच्छा भी रहता है बेबी के लिए। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है ये होजरी है, ठीक है। ये प्लेन है, ये थोड़े छोटे साइज है, ये चार जो है खरीदते समय ये छोटे साइज में खरीद, ये छोटे साइज के हैं, ठीक है। और ये जो है ये थोड़े बड़े साइज के हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। सो हम सारे साइज एक साथ ही ले सकते हैं। ये वाले है कॉटन डायपर्स ही है ये लंगोट, ये छोटे हैं, मीन्स ये 1 महीने के बेबी है या फिर 2 महीने तक 3 महीने तक ये बिल्कुल आ जाते हैं और ये हमें काफी सारे रखने चाहिए। देखिए मैंने कितने सारे रखे अपने पास स्टॉक में, ये डायपर्स है और ये काफी बड़े डायपर्स हैं, मतलब ये हम 3 4 5 महीने के भी हो जाएंगे बेबी तभी भी हमें यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ सेट ऑफ 6, दिस वाज अ सेट ऑफ 6 और ये भी एक 10 12 का सेट है, ठीक है। ये हमने बताया आपको लंगोट के बारे में, लंगोट आप काफी सारी रखिए और ये सारा डे टाइम वेयरिंग है, ये आप दिन में ही यूज करना चाहिए। ये कॉटन लंगोट जो है आप दिन में ही यूज कीजिए क्योंकि बेबी थोड़ा थोड़ा देर में जब सुसु कर लेता है ना तो आपको नजर पड़नी चाहिए और आप तुरंत उसे चेंज करना चाहिए। डायपर्स आप रात को यूज कर सकते हैं तो बेस्ट है क्योंकि रात को हमारा ध्यान रहता नहीं है, हम खुद भी सोते हैं, तो ये दिन में यूज करें तो काफी अच्छा रहता है। फिर ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये हमें स्पेशली इसलिए लेना चाहिए क्योंकि बेबी कभी चेस्ट पे आता है, ठीक है, तो ये एरिया बेबी को प्लेन होना चाहिए तो इसीलिए हमने ये इस तरह जो टाई होते हैं बेबी के लिए वो हमने लिए हैं, ठीक है। ये हमने तीन तीन लेके रखे हैं हमने क्योंकि हमें दूसरा वाला आइटम जो है वो काफी रखा हुआ है हमारे पास स्टॉक में। फिर हम बात करेंगे इसकी, ये छोटे जो है ये मैं बताऊंगी इस तरह से, ये काफी सारे हैं, ठीक है। इसको हम दिन में कितनी भी बार बेबी यूज करे, कितना भी गीला करे बेबी, ये बहुत तुरंत सूख जाएंगे क्योंकि ये बहुत पतले हैं। कॉटन का बहुत अच्छा मटेरियल है, ये बहुत पतले हैं, सूखने के लिए बहुत अच्छे हैं। सो ये भी आप अपने पास स्टॉक में जरूर रखिए, ये बहुत अच्छे रहते हैं बेबी को वेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये आप अपने पास स्टॉक में जरूर रखें। ये भी मैंने सेम ही खरीदे हैं बट ये थोड़े उनसे थोड़े हल्के बड़े हैं, ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ये सारे व्हाइट इन कलर है। ये भी आप अच्छा अपने पास सेट बना के रख लीजिए, कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। और इसमें ज्यादा करके मतलब 2 बटन्स हो वो काफी है, इनफ है, कभी कभी 3 4 5 बटन्स भी रहते हैं तो आप प्रिफर करिए कि आप 2 बटन्स वाला ही लेकर के। फिर ये
टोपी है, टोपी का भी आपके पास स्टॉक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रीजन क्या है, बेबी जो है वो छोटी छोटी उल्टी करता है, कभी बेबी के गर्दन में पसीना आ जाता है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये बहुत जल्दी गीला हो जाता है बेबी का, ये बहुत जल्दी गीला हो जाता है। मेरे बेबी का तो बहुत जल्दी गीला हो जाता है छोटे छोटे स्पिट्स की वजह से, या फिर उनका पसीना होता है, तो हमें टोपी भी बहुत बार चेंज करनी पड़ती है। सो ये हमें कॉटन की लेनी चाहिए, क्योंकि हमें मोस्टली पूरा दिन बेबी का सर ढकना पड़ता है, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, कुछ भी हो, 99.9% हमें सर ढकना चाहिए, और ये टोपी बार बार खराब होती है, इसलिए इसका भी हमारे पास स्टॉक होना बहुत जरूरी है। तो ये जो आपको मैंने सारा दिखा, ये सारा डे टाइम वेयर है, ये नॉर्मल शॉर्ट पैंट सूट्स हैं, ये हम तब यूज करते हैं जब बाहर मौसम थोड़ा गर्म लग रहा हो, और हमें अगर लग रहा है कि फुल पहना के हम बेबी को बहुत गर्मी दे देंगे, या फिर बेबी को बहुत गर्मी हो जाएंगी, तो हम ये शॉर्ट स्लीव्स और शॉर्ट पैंट जो है वो यूज कर सकते हैं डे टाइम के लिए। अब हम बात करेंगे बेबी के नाइट सूट के बारे में। बेबी के लिए नाइट सूट हम जनरली ऐसे ले सकते हैं, ये सेपरेट सेपरेट लिए हमने, और ये हमने एक साथ लिए हैं, तो ये मैं आपको खोल के बताती हूँ, ठीक है। इस तरह फुल स्लीव होती है इसमें, और फुल पैंट होते हैं, ट्रैक पैंट रहते हैं ये। वैसे इसमें और भी एक क्वालिटी आती है जो नाइट सूट के टाइप में, जो नाइट सूट ही होते हैं, इसमें आगे ना सॉक्स लगे होते हैं, बट हमें वो मिला नहीं, इसलिए हमने ये मिला तो हमने ये खरीद लिया। तो ये एक, ये हमने सेट लिया है, ठीक है, और ये वाला जो, ये हमने सेट नहीं लिया है, ये हमने सेपरेट लिया, ये सेपरेट लिया है, ऊपर का पार्ट हमने सेपरेट लिया है, टी शर्ट सेपरेट लिया है, और ट्रैक पैंट हमने सेपरेट लिया है, इसीलिए इसके कलर थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। ये यहाँ मैच है और ये यहाँ मैच है। वैसे इसमें खास बात ये है कि इसमें हुडी है, ठीक है, हुडीज के होते हुए हमें ये सेपरेट सेपरेट अलग अलग होने की वजह से भी लेना पड़ गया। इसमें स्पेशल पार्ट है कि इसमें हुडी है, ठीक है, हुडी की वजह से हमने ये ले लिया है, ठीक है। ये और फॉर एग्जाम्पल ये अगर हम इसका लोअर लेते हैं तो, ठीक है, ये भी हमने ट्रैक ही लिया है जो फुल बेबी का पैर कवर करता है, ठीक है। और एज इसके आगे हमने सॉक्स नहीं, इसके आगे हमने सॉक्स नहीं लिए हैं, तो ये जो मिटन्स है ये हम यूज कर सकते हैं बेबी के लिए, ठीक है, पैरों के लिए ये है और हाथ के लिए ये है, मिटन सेट इसको बोलते हैं हम, ठीक है। सो ये दो पैर के लिए है और ये दो हाथ के लिए, ये भी आप कम से कम 2 से 3 सेट, अभी तो बारिश चालू हो गई है तो आप कम से कम 4 से 5 सेट लेके रखें, क्योंकि इसमें से कुछ भी सूखने वाला नहीं है जल्दी, इसीलिए हमने इसके कम से कम, ये एक सेट हो गया, ये सेकंड सेट हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और भी हमने सेट्स लेके रखे हैं, बट एज ऑफ नाउ इतने सेट्स हम बता रहे हैं। ये वाला सेट मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये जो है ये ट्रैक नहीं है, सो ये जो है ये आप दिन में भी यूज कर सकते हैं, ये प्रॉपर पैंट जैसा है, ठीक है, तो ये आप डे टाइम में आराम से यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि बेबी को जो पैरों में फिटिंग जो आती है ना, वो फिटिंग नहीं आएगी, गर्मी नहीं होगी, और बेबी को ज्यादा टाइटनेस फील नहीं होगा, सो ये लूज लूज है, काफी लूज लगेगा ये आपको बेबी के लिए। सो डे टाइम में आप ऐसे टाइप का कुछ यूज कर सकते हैं, और नाइट टाइम में आप जरूर ऐसे जो पैक रहते हैं वो ही यूज करें, ठीक है। बात करेंगे बेबी एसेंशियल्स में बाथ की। बाथ के लिए हमें टॉवल की जरूरत होती है, सो ये हुडी टॉवल है, ठीक है, हमें एक, मैं आपको हुडी टॉवल ओपन करके बताती हूँ। हुडी टॉवल्स ऐसे होते हैं जिसमें ये हम नहाने के बाद हम इससे बेबी का बदन पोंछ भी सकते हैं, और जब रिक्वायर्ड रहेगा तो इसमें बेबी का सर रख के, इसमें बेबी का सर रख कर हम इस तरह इसे रैप करके बेबी को बाहर भी ले जा सकते हैं। सो ये 2 in 1 यूज है, ठीक है, इसे कहते हैं बेबी वुडी टॉवल। ये हम मोस्टली 2 रखे हमारे सेफ साइड के लिए तो बहुत अच्छा है, एक हम जनरली यूज करते हैं तो दूसरा हमें सेफ साइड के लिए रख देना चाहिए, तो दोनों अगर हम इस तरह के वुडी टॉवल्स लेंगे तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। जो है ये बेबी बेड प्रोटेक्टर है, और ये नॉर्मल जो छोटे बूटी टाइप्स होते हैं ये वो है, अगर हम बेबी को चलाना चाहते हैं या फिर कहीं ले जाना चाहते हैं तो जनरली हम ये बेबी के पैर में रखें तो अच्छा रहेगा। ये छोटा सा नैपकिन है जो बेबी कभी उल्टी कर देता है तो
मुंह अगर साफ करने के लिए ये अच्छा रहता है। ये इतना छोटा सा नैपकिन रहता है, ठीक है? देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये छोटा सा नैपकिन है जो हम मोस्टली बेबी का मुंह वाइप करने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये मैं आपको बताऊंगी, ये स्टॉकिंग्स है, ये बहुत छोटे से क्यूट स्टॉकिंग्स है। अगर ठंडी ज्यादा है तो आप ये यूज कर सकते हैं बेबी के लिए। छोटे छोटे स्टॉकिंग्स है, ये पैरों में यूज कर सकते हैं आप। ये 5 का सेट मिलता है जो आप आराम से कहीं भी मार्केट में ले सकते हैं। 5 का सेट है ये, ठीक है? और ये मैं आपको ओपन करके बताती हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये बेबी बेड प्रोटेक्टर है इसका। देखिए इस तरफ से ये ऐसे प्लास्टिक से बना हुआ है जिससे हमारा बेड बिल्कुल गीला नहीं होता है, और ये सूखता भी बहुत जल्दी क्योंकि ये बहुत थिन है। और ये वुलन का बना है तो इससे इसके ऊपर अगर बेबी रहता है तो बेबी को ठंडी भी नहीं लगती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बेबी को यहाँ पे रखा है और बेबी ने यहाँ सुसु कर लिया, तो ये वाला इस तरफ का जो बेड है ना, ये कभी भी गीला नहीं होता है। और ये एरिया भी जो है जहाँ पे बेबी ने सुसु पॉटी किया है, सुसु स्पेशली, तो वो बहुत जल्दी सूख जाता है, खुद ही ड्राई हो जाता है। जरूरी नहीं कि हमें इसे ड्राई मतलब करने के लिए बाहर बालकनी में ले जाना है या सुखाना है, ये ऐसे ही सूख जाता है। हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में ये खुद ही सूख जाता है। सो ये हमारे लिस्ट में मस्ट आइटम है। अगर आप चाहते हैं आपका बेड बिल्कुल खराब ना हो तो आप ये जरूर खरीदे। और ये एक नहीं खरीदिएगा, आप एक से ज्यादा खरीदे, दो या तीन खरीदे। मेरे पास है इसका, 4 पीस है मेरे पास, तो आप दो या तीन जरूर खरीदिए। ये देखिए ये एक पैक आइटम है, तो ये भी सेम ही है, एग्जैक्टली सेम है। सो आप ट्राई करें कि ये ज्यादा खरीदे क्योंकि अभी बारिश का मौसम चालू हो गया है तो कभी जरूरत लग सकती है। सो एक से ज्यादा ही रखिए ये चीज। और ये चीज अब हम बात करते हैं एसेंशियल बेडिंग की, बेबी के लिए जो हमें रिक्वायर्ड है और जो मस्ट है। ये है कॉटन बेडिंग सेट। ये जो सब है, ये वाला, ये सारा कॉटन का है। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कॉटन बेडिंग सेट। इसमें ये कुछ खिलौना टाइप रहता है जिसमें से कुछ आवाज आती है, जो बेबी हाथ पैर मारेगा तो इसमें से थोड़ी आवाज निकलती है, ठीक है? ये हर एक चीज में से थोड़ी थोड़ी आवाज निकलती है। अब प्रॉब्लम ऐसी है कि बेबी इसके ऊपर डायरेक्ट सोएंगे, डायरेक्ट अगर बेबी सोएंगे इसके ऊपर तो इसमें सुसु पॉटी का बहुत खतरा रहता है। सो हमने ये एक क्विक ड्राई मैट जो है ये डाल दिए हमने, इससे हमारी बेबी की बेडिंग जो है ये गीला नहीं होगा। अब हम बात करेंगे हिमालय के प्रोडक्ट्स के बारे में। हम अपने बेबी के लिए हिमालय प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। ये है हिमालय प्रोडक्ट का ये पूरा बेबी किट है, ठीक है? इस बेबी किट में आपको मिलेगा शैम्पू, जो आप मोस्टली बेबी जब 2 महीने का या 3 महीने का हो जाता है, 3 महीने के बाद ही ये शैम्पू यूज करें। शुरू शुरू में बेबी के सर पे बालों के लिए शैम्पू यूज ना करें, ठीक है? फिर ये सोप है, काफी अच्छी सोप है, अच्छा स्मेल है सोप का। ये बेबी क्रीम है। बेबी क्रीम आप कब लगा सकते हैं? जब आपको लगता है कि बेबी का स्किन थोड़ा ड्राई हो रहा है तब आप ये बेबी क्रीम लगा सकते हैं। आप ये बेबी क्रीम पूरी बॉडी में भी लगा सकते हैं, या फिर आपको कोई एरिया पर्टिकुलर ड्राई लग रहा है आपके आपकी बेबी का, जैसे कि बम वाला या फिर बैक वाला एरिया बहुत बार ड्राई रहता है बेबी का, क्योंकि मोस्टली बेबी सीधे लेटे हुए रहते हैं, इस वजह से काफी बार थोड़ा ड्राई होता है। तो ये क्रीम आप तभी लगा सकते हैं जो भी एरिया ड्राई रहता है वहां पर। फिर ये बॉडी लोशन है, बॉडी लोशन आप पूरे बॉडी में लगा सकते हैं। मोस्टली ये जब आप डायपर्स पहनाते हैं तब आप लगाएंगे, डायपर पहनाने वाले एरिया में तो बहुत अच्छा रहता है। और ये डायपर रैश क्रीम है। डायपर रैश क्रीम ऐसा नहीं है कि रैश आने के बाद ही लगानी है। अगर आपको लग रहा है, एक्सपेक्टेड है, थोड़ा रेडिश हो गया है और आपको लग रहा है कि यहाँ पे रैश आ जाएगा, तब आप पहले ही डायपर रैश क्रीम लगा दीजिए। सो आपको आपकी बेबी को आगे रैश आएगा ही नहीं। तो ये था हमारा हिमालय का किट। और ये पाउडर जो है, ये किट में अवेलेबल नहीं था तो हमने अलग से, ये पाउडर जो था हमने अलग से लिया है क्योंकि ये किट में अवेलेबल नहीं था। सो ये भी हमने हिमालय। हम बात करेंगे बेबी वाइप्स के बारे में। बेबी वाइप्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं क्योंकि बच्चे दिन भर सुसु पॉटी सुसु पॉटी सुसु पॉटी करते ही रहते हैं। तो बार बार हम बेबी को पानी में नहीं ले जा सकते हैं पॉटी वॉश करने के लिए, या फिर सुसु वॉश करने के लिए हम बार बार पानी में नहीं ले जा सकते बेबी को। इसीलिए बेबी वाइप्स की, ये बेबी वाइप्स हमें तब यूज करनी चाहिए जब वेरी न्यू बॉर्न बेबी रहता है, जस्ट बॉर्न बेबी रहता है, तो उसे ठंड लगने का चांस रहता है अगर बार बार पानी में ले जाएंगे तो, या पानी से धोएंगे तो उस पानी की जगह हमें यूज करना है ये बेबी वाइप्स। बेबी वाइप्स अगर हम क्लीन करते हैं तो अच्छे से क्लीन भी हो जाता है
और कोई स्टिंक भी बाकी नहीं रहता और अच्छा भी रहता है ये बेबी वाइप्स। अब हम बात करेंगे डायपर्स के बारे में। डायपर्स में पैम्पर्स काफी अच्छा ब्रांड है, हम अपने बेबी के लिए डायपर ही यूज करते हैं। और ये वाला जो है ये डायपर अप टू 5 kg के लिए, तो बेबी जब जस्ट बॉर्न होता है ना तो तब हम मोस्टली यही यूज करें तो बेस्ट रहेगा। इसकी आपको क्वालिटीज में बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेबी की कमर कितनी भी छोटी हो ये प्रॉपरली इस तरह टाई हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉपरली ये बंद हो जाता है। कितनी भी छोटी कमर हो बच्चे की, जस्ट बॉर्न का कितना भी छोटा हो बेबी। और नेक्स्ट थिंग है ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ये येलो है, ठीक है। जब बेबी इसमें सुसु कर लेता है काफी सारा तब ये ग्रीन हो जाती है। तो जो न्यू पेरेंट्स रहते हैं जिन्हें नहीं पता होता डायपर कब चेंज करना है, तो उनके लिए ये बेस्ट है। ये ग्रीन हो जाने के बाद बेबी का डायपर चेंज करना चाहिए। और पॉटी जब करता है बेबी तो वैसे ही स्टिंक हो जाता है, तो हमें पता ही चल जाता है, पर सुसु के लिए ये बेस्ट है। और दूसरा भी ऑप्शन है हमारे पास, ये डायपर पैंट्स है, ठीक है। ये डायपर पैंट्स है, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी की कमर काफी छोटी होती है और ये भी अप टू 5 kg के लिए ही है, बट पॉइंट ये है कि कभी कभी बेबी का कमर थोड़ा छोटा होता है तो ये फिट नहीं आता है, तो बेस्ट ऑप्शन जस्ट बॉर्न के लिए ये वाला ही है, ठीक है। बात करते हैं फीडिंग एसेंशियल के बारे में। फीडिंग एसेंशियल में हमें ये बॉटल बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है। कभी कभी क्या होता है मदर को मिल्क कम आता है, नहीं आता है, या फिर मदर थक जाती है, तो डॉक्टर मोस्टली ये कहते हैं कि आप फॉर्मूला मिल्क भी आप दे सकते हैं। तो हमें तो डॉक्टर ने ये फॉर्मूला मिल्क यूज करने के लिए कहा था प्रो, और ये बॉटल जो है ये आप अच्छी क्वालिटी की यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बेबी के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे बेबी को फ्रीक्वेंट स्टमक एक या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती अगर अच्छी क्वालिटी की अगर आप बॉटल यूज करते हैं तो, प्लास्टिक बॉटल। इसमें आपको कितना आपको मिल्क लेना है वो आपको पता चल जाएगा। इसमें 25 है, 50 है, 70 है, 100 है, जितना भी ml आप मिल्क लेते हैं ना या बेबी को देना है आपको, तो ये आप उसमें काउंट करके प्रॉपरली आप बेबी को दे सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये 25 है तो आपको इसका एक स्पून लेना है, या फिर आपको इसके बदले जो भी डॉक्टर रेकमेंड करता है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। बट ये जो प्लास्टिक बॉटल आप लेते हैं फीडिंग प्लास्टिक बॉटल, तो ये आप अच्छी क्वालिटी की लें। हमारे एसेंशियल लिस्ट में ये थर्मामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि बेबी को कब बुखार आया है और कब बेबी सही है या कब बेबी सही नहीं है, तो हमें ये थर्मामीटर हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमको ये थर्मामीटर मिला है, जनरली आपको बाजार में दूसरे थर्मामीटर भी मिल जाएंगे, बट ये कोविड की सिचुएशन की वजह से जो अवेलेबल था मार्केट में हमने वही लिया है। सो ये थर्मामीटर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये थर्मामीटर ऐसा है कि इसमें ये एक जस्ट स्ट्रिप है, दिस इज नथिंग मच, ये एक जस्ट स्ट्रिप है और इसमें आपको दिखाई देगा 95, 96.8, 98.6, ये आपको सब दिखाई देगा। और ये स्पेशल जो ट्रिप है ये आपको बेबी के सर पे रखनी है। सर पे रखने के बाद ये जो एरिया है वो ब्लू में टर्न अप हो जाएगा जितना भी टेम्परेचर होगा बेबी का उतना। फिर हमारे लिए एसेंशियल में जरूरी है ये नेल कटर। ये नेल्स एक्चुअली बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं बेबी का, हफ्ते में कई बार दो बार भी बेबी के नेल्स हफ्ते में कई बार दो बार भी ग्रो हो जाते हैं, मुझे दो बार भी काटने पड़ते हैं। सो ये नेल कटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बेबी के नेल्स काटना इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है ना, क्योंकि बेबी जो मुट्ठी बंद करता है या फिर मुट्ठी खोल कर भी अपने फेस को बहुत बार स्क्रैच करता है, तो वो जो स्क्रैचेस है वो फेस पे आ जाते हैं, सर पे, आंखों के यहाँ पे, फेस के यहाँ पे, नोज के यहाँ पे, कहीं पे भी फेस पे आ जाते हैं। तो हमको बेबी के नेल्स जो है ना वो कट करना बहुत बहुत जरूरी है, तो ये भी एक एसेंशियल है। ये दो एसेंशियल चीजें हैं आपको रखनी ही चाहिए अपने बेबी के लिए अपने वार्डरोब में। ये है बेबी मॉस्किटो नेट, जो आपको बेबी को मॉस्किटो से प्रोटेक्ट करने में बहुत मदद करेगा। ये रही वो चेकलिस्ट जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात कही थी। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, शेयर उनके साथ टू बी मॉम और टू बी डैड जो है उनके साथ जरूर शेयर करें, उन्हें ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।